दोस्तों हम यहाँ पर खोआ बनाने के लिए 2 लीटर दूध ले रहे हैं और उसे तेज फ्लेम पे हमने चढ़ा दिया है। इससे पहले बॉयल आने तक हम तेज फ्लेम को रखेंगे, उसके बाद एक बॉयल आने के बाद इसे के फ्लेम को हम धीमा करके इसे धीरे धीरे गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। उबाला इसमें बार बार आएगा और उसके बाद फिर हमें फ्लेम को धीमे कर देना है, फिर थोड़ी देर के बाद फ्लेम को तेज़ करना है, फिर धीमे करना है। यह प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि दूध जो है पूरी तरह गाढ़ा न होने लगे। इस तरह से दूध में अब उबाल आने लगा है, इसे हम थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और आँच को धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा करके इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से चलाते रहेंगे। इसके तल्ले में अच्छी तरह से चलाते रहना है। हमारा दूध देखिए अब गाढ़ा होने लगा है। इस तरह से चारों तरफ जो तल्ले में सट जा रहा है मलाई की तरह, इसे भी हमें कुड़सते रहना है और इसके नीचे तल्ले में भी हमें अच्छी तरह से चलाना है। हमारा दूध देखिए अब धीरे धीरे किस तरह से गाढ़ा हो गया है। अभी इसे और हम पूरा तरह गाढ़ा होने के लिए आंच पर ही रखेंगे और इसी तरह इसको चलाते रहेंगे रुक रुक कर। इसके तल्ले में भी चलाना जरूरी है वरना यहाँ पर भी वो जल सकता है। देखिए दोस्तों अब हमारा यह मावा बनकर रेडी है। करीब हमने 2 लीटर दूध में बनाया था तो यह 500 ग्राम करीब मावा हमारा बन गया है। तो इसे अब हम इसी तरह फ्रिज में रख देंगे ठंडे होने के लिए, यह और भी जम जाएगा और इसे हम कोई भी मिठाई बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में बनाइए मावा, बाजार के मावे से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने घर में बनाएं, एकदम बिल्कुल शुद्ध रहेगा यह और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसमें ना चीनी डाला है ना ही गुड़ का इस्तेमाल किया है। इसे मिठाई बनाते वक्त ही आप चीनी और गुड़ का इस्तेमाल इसमें करें।